नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। भाई की हत्या में भाई का नाम परिजनों ने बताया था, अब परिजन कह रहे हैं उसने नहीं अन्य लोगों ने जमीन के विवाद में एक भाई को मार डाला, दूसरे भाई को जेल के भीतर पहुँचा दिया। सिमरिया थाने के भमरा गाँव का है मामला। भाई की हत्या में भाई का नाम परिजनों ने बताया था, अब परिजन कह रहे उसने नहीं अन्य लोगों ने जमीन के विवाद में एक भाई को मार डाला, दूसरे को जेल के भीतर पहुंचा दिया। सिमरिया थाने के भमरा गांव का है मामला। सिमरिया थाने क्षेत्र के भमरा निवासी प्रवीण श्रीवास्तव पिछले 3 नवंबर 2022 को घर के अंदर लहूलुहान हालत में मिले थे, जिनकी उपचार के दौरान सतना के बिरला अस्पताल में मौत हो गई थी। परिजनों ने पहले प्रवीण की हत्या का आरोप सगे भाई नवीन के ऊपर लगाया था, जिसके चलते पुलिस ने मामला दर्ज कर भाई को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वहीं अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक और आरोपी बनाए गए युवक की मां माधुरी श्रीवास्तव अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। सिमरिया थाना प्रभारी एएसआई अभिषेक खरे पर आरोप लगाया। राजनीतिक दबाव के चलते उनके द्वारा जिन आरोपियों के नाम बताए गए थे उनके खिलाफ मामला न दर्ज कर मृतक के सगे भाई नवीन को आरोपी बना दिया। माधुरी श्रीवास्तव और उनकी बेटी ने साफ तौर से कहा, उसके बेटे उसके भाई की हत्या अन्य लोगों ने की है, हत्या जमीन की वजह से की गई, एक बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया, साजिश कर एक बेटे को जेल भिजवा दिया और अब जबरदस्ती हमारी जमीन कब्जा कर रहे हैं। सीधा था उनका कहना था, हमारी जमीन के विवाद में एक भाई को मार डाला गया, दूसरे भाई को जेल के अंदर पहुंचा दिया गया और अब संपत्ति हड़पना चाहते हैं। पूरे मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। परिजनों ने पहले भाई पर हत्या का आरोप लगाया और अब पहुंच गए पुलिस अधीक्षक के पास ज्ञापन लेकर दोबारा जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग को लेकर। हमारी टीम ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर मां बेटी से बात की। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर उनका क्या कुछ कहना था। था कमरे में छोटे बेटा भी सो रहा था, 11-12 बजे के बीच में रात में इसको हमला करके तीन लोग सूरभान पंकज गुड्डू गुर्जमान उसको नशीली शराबी पिला के और एक तरफ से सबरी को दारी से मार के इसको मेरे बेटे को हत्या कर दी। मैं तो दारी भाई का भाई के ऊपर हत्या का आरोप, मेरे लालू को ऊपर बड़ा भाई कुछ नहीं होता था, ऐसे झगड़ा नहीं होता था भाइयों के बीच में, थोड़ा बहुत तो ऐसे थोड़ा बहुत तो वो है ही है। वही तीन लोग थे जो थे वो लोग घर में बैठ के पिए, हाँ जमीनी विवाद वो लोगों ने मतलब हमारी तो जुताई भी कर ली, बिना रजिस्ट्री के जुताई करवा ली हमारे खेत की। दो भाइयों के बीच कोई जमीनी विवाद चल रहा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, दोनों भाइयों के बीच में जमीनी विवाद कुछ नहीं था। उन लोगों के बीच में क्या जमीनी विवाद होगा? क्या एविडेंस मिले थे, किसने बताया कि इसने हत्या किया? पुलिस को परिवार वालों ने बताया कि मतलब इन लोगों ने इसने घर भाई घर में तो वो था तो इसने किया होगा ऐसा, लेकिन वो तो बाद में पता चला कि ये तीन लोग थे वहाँ पर। नहीं तो उस समय जब पुलिस आई थी तो क्या वो जिनको गिरफ्तार किए उनके ऊपर भी चोट लगी है क्या? उनको कहीं चोट नहीं है, कहीं चोट नहीं है उनको। वो दूसरे रूम में सोया था, नहीं उनको पता नहीं, और पीछे की सांकर क्या था हाथ डाल के खुल जाती है। और रात को हमारी गाड़ी भी लेके चले गए थे, गाड़ी भी रात को नहीं थी, वो जब सुबह रखने आए तब लोगों ने देखा कि ये तो लोग तो गाड़ी भी लेके चले गए हैं। तू सीमा श्रीवास्तव सतना से, ये भमरा में हुई है, मेरा भाई है। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।